हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड जय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ हरतालिका तीज की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से कि आप हरतालिका तीज का पूजा घर पे किस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। सो फ्रेंड्स, वैसे तो हरतालिका तीज का पूजा घर पे ही करना चाहिए, घर पे ही किया जाता है, और अगर आप घर पे नहीं करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। और हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है और कौन से तारीख को पड़ रहा है, और पीरियड में क्या आप इस त्यौहार को हरतालिका तीज पूजा कर सकते हैं या नहीं, सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू रहिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूजा करने से पहले आपको एक चौकी बिछाना है, चौकी को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना, अच्छे से धो लेना है। उसके बाद चौकी बिछाने के बाद आपको चौकी के ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछाना, लाल या पीला या हरा एक कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद शंकर पार्वती जी का प्रतिमा रख लीजिए, फोटो रख लीजिए, विराजमान कर दीजिए। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे, तो कलश के बिना भी आप पूजा कर सकते हैं या कलश का भी स्थापना कर सकते हैं। तो कलश का स्थापना करने से पहले हम कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे और कंठ पे हम रक्षा सूत्र बांधेंगे, मौली का धागा बांधेंगे, और उसके बाद इसमें हम मिश्रित जल भरेंगे। मिश्रित जल यानी नॉर्मल पानी और गंगा जल भरने के बाद इसके अंदर हम पैसा, दुभी घास और कसेली और थोड़ा सा चीनी और एक चुटकी हल्दी डाल देंगे। उसके बाद एक पात्र में हम चावल से भरा हुआ पात्र रखेंगे, उसके ऊपर हम घी का दीपक जलाएंगे, और जहाँ पे हम कलश रखेंगे वहाँ पे हम फूल और चावल का अक्षत का आसन रख देंगे। उसके बाद नारियल चढ़ाने से पहले हम इसमें हम नारे रक्षा सूत्र बांध देंगे और 5 बार रोली से टीका लगा देंगे। ये सब तैयारी जो है आपको पहले से ही कर लेना है। फूल पत्ती जितने भी हैं धो धा के आप सामने रख लीजिए। तो देखिए, हमने पहले से ही ये सब तैयारी कर लिया है। अब जब ये सब तैयारी हो रखा होता है ना, तो पूजा करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। देखिए, हमें सिंपल तरीके से माता पार्वती, गणेश जी और शंकर जी का मैंने प्रतिमा बनाया है। इस तरीके से थाली में हमने विराजमान कर दिया। जहाँ भी भगवान जी का हम प्रतिमा रखेंगे उनको हम आसन पहले देंगे, फूल और अक्षत का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आरती का भी मैंने प्लेट लगा लिया, तो धूप बत्ती सब कुछ मैंने जला लिया, फूल और बेलपत्र सब कुछ मैंने आगे सामने रख लिया है। पूजा का सारा तैयारी हो गया है। पूजा पे बैठने से पहले मैं सिंदूरा से नाक के ऊपर से मांग तक का सिंदूर लगा लेती हूँ अच्छे से प्रॉपर, और तभी पूजा पर बैठना है। 16 सिंगार अच्छे से करके ही बैठना है। तो यहाँ पर मैं पूजा पर बैठ गई हूँ, तो सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, माता पार्वती, गणेश जी, शंकर जी को अभिषेक करेंगे। पहले नॉर्मल जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद पंच अमृत से अभिषेक करेंगे। पंच अमृत के बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, नॉर्मल जल और मिश्री, इन सभी 5 चीज़ों को मिक्स करके पंच अमृत बनाया जाता है। उसके बाद पंच अमृत से अभिषेक करने के बाद हम नॉर्मल जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम अक्षत छीटेंगे और उसके बाद हम रोली का टीका देंगे। तो माता पार्वती को हम सिंदूर लगाएंगे और शंकर भगवान और गणेश जी को हम रोली का टीका देंगे। तो पहले आपको मिट्टी का प्रतिमा को पूजा करना है, उसके बाद जो फोटो में प्रतिमा है उनको हम पूजा करेंगे। तो फोटो में प्रतिमा को पहले हम अक्षत छीटेंगे, उसके बाद हम रोली का टीका लगाएंगे, और माता पार्वती को 5 बार या 7 बार हम सिंदूर लगाएंगे। तो माता पार्वती को देखिए हम सिंदूर लगा रहे हैं, देव पुरुष को हम रोली का टीका लगाएंगे और माता पार्वती को सिंदूर का टीका लगाएंगे। 5 बार या 7 बार याद रखिएगा, जितना बार माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे उतना बार ही आपको सुहाग लेना है। उसके बाद हम पुष्प अर्पित कर देंगे। माता पार्वती को कोशिश करिए कि लाल फूल है तो लाल फूल ही अर्पित करिए, और भोले बाबा और गणेश जी को हम फूल अर्पित कर देते हैं। तो गेंदे का फूल है, सफ़ेद फूल है, जो भी आपको फूल मिल जाता है ना वो सब अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम फोटो पे फूल अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, उसके बाद हम दीपक को भी पूजा कर लेंगे। तो दिया को हमने अक्षत और टीका लगा के फूल अर्पित कर दिया, उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम बेलपत्र चढ़ा देंगे, और बेलपत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद माता पार्वती को हम चुनरी ओढ़ा देंगे, और बेलपत्र चढ़ाने से पहले ना बेलपत्र के ऊपर आप रोली का टीका लगा दीजिए, ओम लिख दीजिए या
ऐसे ही टीका लगा दीजिए। उसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे माता भोले बाबा को और गणेश भगवान को, और वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करेंगे तो माता पार्वती को और शंकर भगवान को और गणेश जी को। वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, वस्त्र अर्पित करने के बाद फिर हम फोटो पे कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद जो हमने श्रृंगार माता पार्वती के लिए सजाया है वो श्रृंगार का सामान अर्पित कर देंगे। तो श्रृंगार में जो भी आपको सिंदूर बिंदी मेहंदी ऐना कंघी जितना भी आपको जुड़ सके उतना आप चढ़ाइए, नहीं तो कम से कम 5 चीज़ें तो ज़रूर चढ़ाइए श्रृंगार में। तो श्रृंगार में से हम थोड़ा सा मेहंदी जो है माता पार्वती के हाथ में मैं लगा देती हूँ, और उसके बाद हम नारियल अर्पित करेंगे तो यहाँ पर, और उसके बाद नारियल चढ़ाने के बाद हम फल चढ़ा देंगे। तो इसमें 3 की संख्या में बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हमने 3 सेब अनानास और केला चढ़ाया। उसके बाद हम भोग में अनारसा और बेसन का लड्डू मैं घर पे ही बनाई हूँ तो वो भोग अर्पित कर देते हैं। तो प्रतिमा में स्पर्श करवा के आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद हम धूप दीप दिखा लेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम फिर हरतालिका तीज का व्रत का कथा पढ़ेंगे। हरतालिका तीज का व्रत का कथा आप खुद से भी पढ़ सकते हो या घर में और भी कोई सदस्य हैं तो उनको भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है तो थोड़ा कम ही बोला जाए तो ठीक होता है, नहीं तो फिर गला सूख जाता है। उसके बाद यहाँ पे धूप दीप हमारा हो गया, तो कथा पढ़ने से पहले आपको हाथ में अक्षत और फूल लेना है, उसके बाद हरतालिका तीज व्रत का कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपने कलश के ऊपर आपने जो दिया लगाया है ना, उस दियो को आपको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। देखिए हमने आरती के लिए धूप दीप के लिए अलग से धूप बाती और दिया लगा के रखी हूँ, और ये जो कलश के ऊपर आपने दिया लगाया है ना, रात भर अखंड जलते हुए छोड़ देना है। और यहाँ पे देखिए कथा पढ़ने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से सिंपल आप घर पे हरतालिका तीज का पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अपने सास के लिए बैना स्वरूप साड़ी और जितना भी दक्षिणा हो सके वो दक्षिणा आप यहाँ पे रख दीजिए। 101 51 रुपया 11 रुपया जितना भी आपको बनता है उतना आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद आरती करने के बाद हम पूरे घर में आरती दिखाएंगे। उसके बाद आरती दिखाने के बाद हम पति पूजन करेंगे। तो पति पूजन करने से पहले अपने पति को अच्छे से पहले बैठा दीजिए अच्छे जगह पे, तो कुर्सी पे या बेड पे। उसके बाद हम पैर धोएंगे। पैर धोने के बाद हम अक्षत फूल छींटेंगे। उसके बाद हम रोली का टीका लगाएंगे, और रोली का टीका लगाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। और इसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, निर्जला व्रत है, तो इसमें आप अपने पति को ना कुछ खिला सकते हैं ना ही आप कुछ पी सकते हैं। उसके बाद हम आरती कर लेते हैं और फिर चरण स्पर्श करके पति का प्यार ले लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से घर में आप हरतालिका तीज का पूजा कर सकते हैं। दोस्तों मैं हमेशा से शाम को ही हरतालिका तीज का पूजा करते आ रही हूँ, तो आप शाम को ही पूजा कर सकते हैं या सुबह भी पूजा कर सकते हैं। इस बार का जो है ना पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह में 6 बजे से 8:30 बजे तक है, और शाम को भी पूजा करने का शुभ मुहूर्त है तो शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक है। तो इस तरीके से आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं। मैं तो हमेशा शाम को ही पूजा करती हूँ तो मैं शाम को ही करूँगी पूजा। सो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि हरतालिका तीज पूजा का विधि तो हमने देख लिया, विसर्जन कैसे करना है, सुहाग कैसे लेना है। तो सुबह जिस दिन पारण होता है विसर्जन से पहले माता पार्वती को हम सुहाग देंगे, 5 बार सुहाग देंगे या 7 बार सुहाग देंगे। जितना बार हम माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे उतना बार हम अपने प्रतिमा से सिंदूर को हम अपने मांग में भरेंगे। अगर हम माता पार्वती को 5 बार सिंदूर लगाएंगे तो हम 5 बार अपने मांग में भरेंगे। उसके बाद जितने भी पूजा के फूल पत्ती हैं सब कुछ हम विसर्जन कर देंगे। खाने पीने का जो सामान है फल फ्रूट भोग सब हम साइड कर लेंगे, और जितने भी फूल पत्ती हैं वो सब हम पार्क में जाकर विसर्जन कर देंगे। अगर घर में गमला है तो गमला में भी विसर्जन कर सकते हैं तुलसी जी का गमला को छोड़ के। उसके बाद जो सुहाग का सामान आपने चढ़ाया उसमें से एक एक चूड़ी अपने हाथ में डाल लेना है। सो फ्रेंड्स, जो हमने श्रृंगार का सामान माता पार्वती को चढ़ाया है उसमें से कुछ श्रृंगार जो है अपने लिए रख लेंगे, जैसे सिंदूर बिंदी, इनमें से कुछ सुहाग का सामान खुद के लिए रख लेंगे और बाकी पंडित जी को दान कर देंगे। साथ ही साथ अनाज और 11 रुपये करके हम दान करेंगे, और जो अपने सास के लिए अपने बैना निकाला है साड़ी निकाला है वो हम अपने सास को दे के आशीर्वाद ले लेंगे। अगर आपके सास कहीं और हैं, आप कहीं और हैं
तो जब भी आपकी सास आए तो उनको आप दे दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आप हरतालिका तीज का पूजा विधि जो है संपन्न होता है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।